Hello NYKS aspirants, how are you? Welcome to Chauhan Academy. So today I'm going to discuss about NYKS 4th batch, what is the possibility of it, and I will discuss many more topics. उसके पहले कुछ चीजें बता दूं मैं आप सबको. मेरे बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, सुन रहा हूँ बड़े बड़े ग्रुपों में चर्चाएं चल रही हैं चौहान सर के बारे में. सही, अच्छा चीज है. मैं दोनों को बहुत पसंद करता हूँ, पहले से बोला हूँ. पहले मैं हिंदी में बोलूँ, फिर अपनी इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, अपने हिंदुस्तानी वाली इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे उन समस्त भाई बहनों के लिए जो बिलोंग करते हैं, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या साउथ इंडिया, जैसे आपका तेलंगाना. मेरे बहुत सारे मित्र हैं जहाँ फैले हुए हैं. तो खैर, मेरी चर्चा जो हो रही है, तो चर्चा जो मेरी करते हैं इधर उधर, ये चौहान ये करता है वो करता है, ठीक है ठीक है. चौहान बहुत अच्छा बंदा है, पहली बात तो ये. और चर्चा खास कर उसी की होती है जिसमें दम होता है. तुम्हारी चर्चा इसलिए नहीं होती कि तुम्हें दम नहीं है, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि पीठ पीछे तो नरेंद्र मोदी को भी गाली देते हैं, सामने किसी का औकात नहीं होती, ऐसे ही अपना भी रुतबा है ना. तो पहली बात, मुझे दो लोग बहुत पसंद है. नंबर वन, जो मेरी तारीफ करते हैं या मुझे पसंद करते हैं. नंबर दो, जो मेरी बुराई करते हैं या जो मुझे नफरत करते हैं. पूछे क्यों? क्योंकि जो मेरी तारीफ करते हैं या जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे अपने दिल में रखते हैं, और जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मेरे से हेट करते हैं, वो मुझे अपने दिमाग में रखते हैं. पर अच्छी चीज़ है, दिल और दिमाग दोनों क्या है, मेरा कब्जा है. अच्छी चीज़ है ना, ठीक है. चलिए अब एक स्टार्ट करते हैं. आपको बहुत दिन से बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं बच्चे कि सर हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, कि आपकी बातों पर. आप बताइए कि क्या है फोर्थ बैच के बारे में, क्या नहीं है. तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहा. इसके पहले बहुत सारे आंदोलन प्रोटेस्ट में बिजी था, आप सही चैनल में देख ही रहे थे. मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आंदोलन कर रहा था, उसके बाद फिर अभी एनटीपीसी के लिए आंदोलन करने आया आपके दिल्ली में. दिल्ली में आंदोलन किया आपको जंतर मंतर में, किसके लिए, एनटीपीसी रेलवे आरआरबी के लिए, और बहुत सारे चैनल्स के साथ मिलकर के, बहुत सारे जो बड़े बड़े चैनल्स उनके साथ मिलकर के आंदोलन किया गया. तो इसलिए थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया. लेकिन जो लोग डीवाईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे फोर्थ बैच के लिए, आपको पता है, आपको पूरा मैंने जीके जीएस का लगभग कम से कम नहीं तो 1000 पेजेस का मटेरियल आपके पास आ चुका है. नहीं मिला तो मुझसे आप बात कर लेना, ठीक है, जो पेड ग्रुप में थे. क्योंकि मैं सोच रहा था पहले एक बार जीके जीएस खत्म करा दी, क्योंकि 80 मार्क्स का वही होता है, और क्वेश्चन टाइप करवा रहा था मैं, तो शायद क्वेश्चन टाइप हो गए होंगे. तो मैं आप लोगों को पेड ग्रुप में भेज दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन भेजता जाऊंगा, या हाथ से लिख दूंगा तो उसको समझ लेना क्या कह रहे हैं. तो क्योंकि मेरे पास पूरे क्वेश्चन पेपर लिखे रखे हुए हैं, तो वो मैं आपको बता दूं. इवन अभी भी साथ मेरे पर्स में रखे पड़े हुए, ठीक है. क्योंकि मैं जब किसी का एग्जाम लिखने गया था, तो मैंने फटाफट करने के बाद ये चीज मैंने की थी. ये तो ये देखिए, ठीक है, ये पूरे 80 के 80 प्रश्न जो है ये मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, जीके जीएस के पूरे 80 के 80 प्रश्न, ठीक, पूरे 80 के 80, मतलब 40 40, जीके 40 40. लेकिन ये हिंदी में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी तरीके से पेश करेंगे आप लोगों को, पेड ग्रुप पे भेजा जाएगा, टेंशन ना लें. ये अभी भी इसलिए इसको इसमें रखता हूँ ताकि रहे दिमाग में, हाँ कुछ करना है. तो बाकी लोग जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और हिंदी मीडियम में पहले बच्चे मुझसे बहुत शिकायत किए थे कि सर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम को ध्यान देते हैं, इस बार हिंदी मीडियम में सबसे पहले मैंने कोर्स तैयार करवाया है. मैथ और रीजनिंग का पूरी तरह से कंप्लीट, लगभग कंप्लीट हो चुका है. कल या परसों से मैं पूरी की पूरी वीडियोस लेक्चर्स धीरे धीरे करके आप उसमें हिंदी, क्योंकि NYKS में जो आपका बैच बना हुआ है उसमें हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग सेक्शन है. तो आप उसमें जब हिंदी वाले में सेक्शन चेक करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा. तब तक आप जीके जीएस का जितना मैंने आपको भेजा था आप उसको सारा रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि फास्ट मोड, आपको पता है एग्जाम बहुत जल्दी होता है. हाँ, ये ऑफिशियल फैक्ट सच है कि फोर्थ बैच वैकेंसी आएगी, ट्रस्ट है. तो नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं है तो मत करिए, है ना. और इस बार एज भी बढ़ेगी, आपको मैं शायद थर्ड बैच का जब वैकेंसी है तभी मैंने बताया था कि इस बार एज बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी युवाओं ने इसके खिलाफ एक मांग उठाई थी, और उनको भी लगा यार कि कहीं ना कहीं जब UPSC इतना एज में कंसिडर करती है, 32 ईयर्स देती है, तो हमें देना चाहिए. तो वो भी आपको प्रोवाइड करें, 30 ईयर्स रहेगी इस बार एज रहेगी, 30 ईयर्स. तो जो 30 ईयर्स वाले हो ध्यान रखेंगे इसके लिए, तो 30 ईयर्स वाले का बहुत बेनिफिट रहेगा. पहला तो 30 रहेगा, फिर उसमें आप 5 ऐड करिए किसी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए, 3 ईयर्स ऐड करिए किसके ओबीसी के लिए, तो आपको बेनिफिट रहे इसमें. तो जनरल के लिए 30 रहेगा, बाकी इसी. तो जो लोग रह गए हैं इस बार, जम के प्रैक्टिस, जम के मजा आ जाए, मेहनत करो आप इस बार, अभी से लग जाओ, ठीक है. बाकी सब होशियार हो जो इस बार दे चुके हैं, जिनको लगे कि भाई क्लास करनी है, कोई फोर्सफुल नहीं है, मैं क्लास अपने हिसाब से चलाता हूँ, फिर
तो क्लास ज्वाइन कर सकता है। क्लास ज्वाइन करने के लिए नंबर है 7827282211। ठीक है, इस बार मैं क्लास में हो सकता है तो एक हमारी बहुत अच्छी मेरी स्टूडेंट है, आजकल पढ़ा भी रही, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उनसे बात करके कि का सब्जेक्ट वो भी लें, क्योंकि ऑलरेडी डीवाईसी तो सेलेक्ट हो चुके, थर्ड बैच में सेलेक्ट हुई हैं और ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो उनसे बात करके तो कुछ क्लासेस वो भी लेंगी, तो आपको इस बार और मजा आएगा, डीवाईसी पढ़ाएगा तो और अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी और आपको क्लासेस अगर करना है तो बस लिखना है, क्या लिखना है आपको, NYKS बैच 4 आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर क्लास, सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लास। आपको सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, राइट, व्हाट्सएप एट दिस नंबर 7827282211। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, फोर्थ बैच आएगा। अब क्वेश्चन है कि कब आएगा, मैंने कम से कम चार पांच महीने पहले से बोल रखा है मार्च तक वेट कर लो भैया, मार्च तक वेट कर लो। नया सेशन अभी मतलब जो अलॉटमेंट हुआ है पैसा NYKS को, उसी के अकॉर्डिंग जो बचे कुछ पद हैं उसको, क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त होने वाले हैं ना, आपको बता रहा था 2022 में बहुत सारे पद रिक्त होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा किया जाएगा। लगभग 160 से प्लस या 180 प्लस वैकेंसीज आने की संभावना है, तो बड़ा अच्छा है आप सबके लिए, है ना। तो अब ये है यार, देखो अभी तक तो ये है ऑफिशियल खबर बता रहा हूँ कि अब संभावना पूरी है आएगा, ठीक है। आपको ट्रस्ट है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ट्रस्ट है तो मत करिए, ठीक। वैसे भी जब आप ट्रस्ट के साथ क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जो पढ़ाया जाएगा वो तो कुछ आपके बेनिफिट आएगा ही ना, यहाँ नहीं तो कहीं तो यूज होगा ही, तो वो सब आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब थोड़ा याद आ गया, इंग्लिश वालों को तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैच 4 ऑफ NYKS टू माई स्पेशल फ्रॉम फ्रेंड्स हु आर बिलोंग्स फ्रॉम, यू नो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे लाइक नॉर्थ ईस्ट, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, वट एवर, राइट, दे कांट अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश दैट इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर DYC NYKS बैच 4, देन दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू। वेरी सून NYKS विल पब्लिश दिस वैकेंसीज एंड दे विल रिलीज नोटिफिकेशंस, एंड स्पेशली फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स लाइक फ्रॉम केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राइट, बिकॉज दे वॉच माई चैनल, राइट, स्पेशली वेन आई पुट थंबनेल ऑफ NYKS, राइट, सो डेफिनेटली दे विल वॉच इट, राइट। सो दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू एंड यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दैट वन, एंड प्लीज बी अवे फ्रॉम द र्यूमर्स, राइट। बहुत सारे लोग हैं र्यूमर्स जो फैलाते हैं, दे आर स्प्रेडिंग र्यूमर्स, सो प्लीज कीप अवे फ्रॉम, राइट, योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू हैव अ ट्रस्ट ऑन मी, देन डेफिनेटली यू विल स्टार्ट द प्रिपरेशंस, एंड इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी देन डोंट, नो प्रॉब्लम, आई कांट डू एनीथिंग, राइट, बिकॉज देयर नो एनी मेडिसिन फॉर द ट्रस्ट और नॉट ट्रस्ट, राइट। सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, राइट, फ्रॉम टूडे, टुमारो, वट एवर, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट मोबाइल नंबर, सॉरी, टेली व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल मी, राइट, आई एम टेलिंग यू, डोंट कॉल मी, आई वॉन्ट पिक योर कॉल, बिकॉज nowadays I am very much busy, right, only I can reply in WhatsApp, right, so do me WhatsApp at 7827282211, right, this is WhatsApp number and you can do WhatsApp here, only WhatsApp, don't call, right, so that I can tell you how can you join our class, because now our class will provide in Chauhan Academy application and also Chauhan Academy websites, right, Chauhan Academy websites published I think in last month, so this is the best for you, okay, and anything else, no, perfect, believe yourself, definitely बहुत अच्छा करोगे। मुझे याद है थर्ड बैच में बहुत सारे लोग थे जो अच्छा किए, एक गुजरात से थे सिंगर, ठीक है, अभी नाम बोल रहा हूँ लेकिन याद आ जाएगा, आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी थी और आप डिवाइसी हैं, गुड, आप पसंद करते हैं इस चीज को, कपिल सेन जिस समय मध्य प्रदेश में है, रश्मि, ठीक है, बालाघाट, दैट्स गुड, आपसे तो बात होती रहती है, शिमला, मनीषा, और कौन है जो ऐसे स्टूडेंट जिनको मैं, हाँ, दिवाकर भाटी साहब, ठीक, ये भी हैं, तो कुल मिलाकर कैसे कुछ लोग हैं जो मतलब, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते रहते हैं ना, अनवेशा, ओके गुड, अनवेशा इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट, सो ये सब DYC हैं और इन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, दे आर वर्किंग फॉर दैट वन, दिस इज गुड, राइट, और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा और कोई एग्जाम पैटर्न बदलेगा नहीं, वही रहेगा, राइट, और IBPS एग्जाम कैंडिडेट कराएगी, राइट, ये भी ध्यान रखेंगे,
आईबीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराएगी क्योंकि ये कम्प्लीटली ठीक है। और आपको पता है उसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका बहुत सारी वीडियोस पर, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि प्लीज डिस्क्राइब द सिलेबस, देन डेफिनेटली इन नेक्स्ट वीडियो आई डिस्क्राइब द सिलेबस। ओके चले फिर, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय, अपना ध्यान रखिए, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी हेल्दी वेल्दी क्या योर फैमिली, राइट। आप भी खुश रहो, बी हैप्पी रहो, बी हेल्दी रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, दूसरों को परेशान मत किया करो यार, ठीक है। कभी कोशिश किया करो कि आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करने की कोशिश करें। याद रखें आप किसी के तरफ जब एक उंगली उठाते तो आपकी तरफ चार उंगली आपके तरफ होती है बॉस। जैसे आप किसी पर किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, किसी को अपने से ओवर स्मार्ट दिखाते हैं, तो यार रावण भी ओवर स्मार्ट था, राम भी ओवर स्मार्ट थे, कृष्ण भी ओवर स्मार्ट, सबको ही, पर किसी की चली नहीं है, लाइफ है खत्म हो जानी है। मुझे पता है आई विल डाई वेरी सून, मतलब कुछ दिन की जिंदगी है उसके बाद आई विल गो, राइट। सो हम यहाँ सब अपना मतलब कैरेक्टर प्ले करने आए हैं, और कैरेक्टर प्ले करके उसके बाद हम क्या चले जाएंगे, विल गो। तो अच्छी मेमोरी छोड़ करके जाओ ताकि लोग आपको अच्छा याद करें। जब आप कमेंट करते हैं तो सजेशन लिख सकते हैं आप, मतलब कमेंट्स जब करते हैं तो आप सजेशन लिख सकते हैं, कुछ सजेशन लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अपने उसी वर्ड्स को सही तरीके से यूज करें, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।